है यहाँ पे रिस्ट पिन होती है, खोखली होती है, डलवा लोहे की बनी होती है, खोखली होती है, और क्या बोलती है स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मजबूती ज्यादा होती है, ठीक है। रिस्ट पिन, पिस्टन पिन या गजन पिन, तीनों नाम इसी के होते हैं। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा पिस्टन को जोड़ता है, पिस्टन पिन, गजन पिन या रिस्ट पिन के द्वारा। यहाँ पे जो बैरिंग आते हैं, इस रॉड को पकड़ के यूं पिस्टन पे लगाओ तो आराम से हिलेगा ड्यू टू बैरिंग, क्योंकि इसके अंदर जो बैरिंग लग रहा है उस बैरिंग का नाम है स्मॉल गोल बैरिंग। क्या नाम है उसका? स्मॉल गोल बैरिंग। थोड़ा सा आगे चलते हैं, शेप क्या होती है इसकी, और समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्रैंक शाफ्ट की शेप होती है अंडर का, वो भी समझा रहे। ये जो शेप है यहाँ पर रिएक्शन रेटिन आ गया, जो दिखा रहे ये क्रैंक शाफ्ट है बेटा। ये क्या है? क्रैंक शाफ्ट है। ये क्रैंक शाफ्ट का आगे वाला सिरा है और ये क्रैंक शाफ्ट का पीछे वाला सिरा है। अब इस क्रैंक शाफ्ट में देखो ये कितने कितने सिलेंडर इंजन की क्रैंक शाफ्ट है, तो इसके अंदर अपन यूं पहचानेंगे जो एक्सिस लाइन है सीधी सीधी इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे तो ये तो जर्मन से जुड़े हुए हैं, इंजन के अंदर क्या होता है जर्मन होते हैं, जर्मन जोड़ते हैं। यहाँ पे तो फिक्स होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और वहां पे फिक्स हो गई। अब पिस्टन कितने लगे? एक पिस्टन यहाँ पे लगा, एक पिस्टन यहाँ पे लगा दो, एक पिस्टन यहाँ पे लगा तीन, और एक पिस्टन यहाँ पे लगा चार। ये चार सिलेंडर इंजन का क्रैंक शाफ्ट है, जिसमें लग रहे सब चार सिलेंडर इंजन के अंदर चार पिस्टन जुड़े हुए। तो जो इसका सेंटर एक्सिस लाइन होती है या पीछे जर्मन से कनेक्ट होती है, इससे कनेक्ट होती है जर्मन से, नहीं तो पिस्टन झटका मारेगा धरती में पड़ जाएगा, इसीलिए जर्मन के बड़े बड़े मोटर करके इसको कसा जाता है। यहाँ पे पिस्टन जुड़ता है, यहाँ पे पिस्टन जुड़ता है, जो छिद्र कर रहे हैं ये इसके अंदर सेल्फ लुब्रिकेशन का काम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। दूसरी यहाँ पे जो वो फंसाते हैं अपन बेरिंग।